फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब सोच रहे होंगे मैं ये शैम्पू और कॉम या स्पून वगैरह क्यों लेके बैठी हूँ। वॉट एवर ग्लास, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हम सबको तो होती ही है आजकल, तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बताती हूँ कि हमें शैम्पू को कैसे यूज़ करना चाहिए। हमें शैम्पू को डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। पहली बात तो शैम्पू ही कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं, और शैम्पू को हमें सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करना होता है। इतना शैम्पू इनफ है। उसे हम अपने बाथरूम में जो हमारा मग होता है उसमें हम लेंगे। ये स्पून बस मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से अमाउंट दिख जाए कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने इतना वाटर लिया है, इसमें मैं विक्स कर रही हूँ। बाथरूम में आप मग में लेके डायरेक्ट हाथ से किसी से भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं हाथ से यूज़ नहीं करूँगी, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तो मैं आपको बस दिखा रही हूँ। इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगी। इसे आपको अच्छे से मिक्स करके डाइल्यूट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको हमेशा डायरेक्ट कभी भी शैम्पू अपने सिर पर अप्लाई नहीं करना है। पहले अपने बालों को गीला कर लो। सिर्फ शैम्पू को हमें सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद जब आप डाल दोगे उसके बाद लेदर बन जाएगा। लेदर मतलब तो पेना होता है, अच्छे से बन जाएगा। एक मिनट से ज़्यादा कभी भी शैम्पू को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब गलतियाँ इसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल इंक्रीज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। तो शैम्पू को अच्छे से आप यूज़ करें, डाइल्यूट करके यूज़ करें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कोई भी आप हर्बल शैम्पू यूज़ करें। मैं तो वैसे भी हर्बल एसेंस यूज़ करती हूँ, आप कोई भी हर्बल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि वाइट कॉम यूज़ करें, स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो तो वाइट कॉम यूज़ करोगे। मैं ये वैसे नेट हैबिट से मंगाती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। इसे मंथ में आपको ऑयल करना होता है, फिर कभी इस पे वीडियो बना दूंगी मैं। और तीसरा मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने और मेरी मदर ने ट्राई किया हुआ है। ये ज़्यादातर ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये आप सबको पता ही होगा, पर हम बहुत हल्के में ले लेते हैं ना चीज़ों को। ये जो एक्सरसाइज होती है, अपने नेल्स कैसे रब करते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, आप 10-10 मिनट भी अगर इसे करेंगे तो आपको 15 डेज में अपने हेयर फॉल रिडक्शन में असर दिख जाएगा। और अगर दिखे या मेरी वजह से आपको कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। ऐसी और अच्छी बातें बताने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।